हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडी प्लस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेफ्टास 400 mg टैबलेट के बारे में। दोस्तों ये किस कंपनी की बनाई हुई है, कितने की टैबलेट आती है, इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन डाला गया है, दोस्तों किस किस प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है, कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है और कैसे इसका यूज़ करना है। दोस्तों इस टैबलेट से रिलेटेड मैं पूरी जानकारी भी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल मेडी प्लस पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलो हम बात करते हैं सेफ्टास 400 mg टैबलेट के बारे में। दोस्तों अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर सिफेक्सिम दिया गया है। दोस्तों सिफेक्सिम इसके अंदर 400 mg में दिया गया है। दोस्तों अगर हम इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो आप ये देख सकते हो इंटास कंपनी की बनाई हुई है, यानी कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस कंपनी की ये टैबलेट बनाई हुई है। दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये देख लेते हैं 266 यानी कि 266 रुपये की आपको 10 टैबलेट मिल जाती हैं। दोस्तों ये टैबलेट आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट शॉप या फिर आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दोस्तों इसका यूज़ किस किस प्रॉब्लम्स में किया जाता है ये जान लेते हैं। दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, गले में होने वाले टॉन्सिल्स, निमोनिया, तेज़ बुखार, टाइफाइड जैसी बीमारियों में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये टैबलेट किस किस प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती है। दोस्तों मैं एक बार आपको फिर रिपीट करा देता हूँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम, इन सारी प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में जो जलन होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। कान के इन्फेक्शन यानी कान में जो दर्द होता है या कोई फोड़ा फुंसी टाइप का हो रहा होता है उसको ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या फिर गले में टॉन्सिल्स यानी गले में जो गदगद बोलते हैं वो हो जाते हैं, गांठ टाइप की हो जाती हैं, उनको भी खत्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या फिर निमोनिया यानी कि ठंड के कारण जो हमें प्रॉब्लम्स होती है, पेट खराब हो जाता है और ठंड जिसको लग जाती है कहते हैं, उस प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है। या फिर तेज़ बुखार का होना यानी कि ज़्यादा तेज़ बुखार आपको कंटिन्यू रह रहा है जिससे कि टाइफाइड कहते हैं, उस प्रॉब्लम्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसका यूज़ किस किस प्रॉब्लम्स में किया जाता है। और दोस्तों अगर हम इसकी डोजेस के बारे में बात करें तो मैं कहना चाहूँगा 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ही इस टैबलेट का यूज़ करे। अगर 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को ये टैबलेट यूज़ करानी है, बच्चे को यूज़ करानी है, तो इसका यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि इसकी डोज बहुत हाईफाई होती है, यानी कि 400 mg में ये टैबलेट दी गई है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो हर टैबलेट का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, वहीं इसके भी आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, जी मचलाना, उल्टी, चक्कर आना, घबराहट, लूज मोशन। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है इस टैबलेट को लेने के बाद, तो मैं कहना चाहूँगा आप इस टैबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें और आप अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।